कैसे हैं आप लोग? और आपको सबसे पहले जो है वो लोहड़ी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। माता रानी जो है वो ढेर सारी खुशियां दे, बहुत सारा प्यार दे। तो आज लोहड़ी का दिन है और हमारे यहाँ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाई जाती है लोहड़ी वाले दिन। तो बहुत सी जगहों में रेवड़ियाँ और वो मूंगफलियाँ भी दी जाती है, गुड़ दिया जाता है। पहले गुड़ दिया जाता था। तो वैसे हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ ना जो नई फसल होती है जैसे धान हो गए, है ना, तो धान से जो चावल निकलते हैं उनकी जो है वो पूजा की जाती है। मतलब उनसे जो है वो भगवान जी को पूजा जाता है। और खिचड़ी बनाई जाती थी, माँ राजमा और चावल को जो है वो बनाया जाता था और खिचड़ी बनाई जाती है, था नहीं सॉरी, बनाया जाता है। तो हमने इस बारी नहीं मनाना है क्योंकि मेरे भतीजे का जो लड़का है ना वो तीसरे चौथे दिन जो है पैदा होने के बाद जो है वो एक्सपायर हो गया था। तो इसलिए हमने नहीं मनानी है। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ही मनाते हैं और देवी देवताओं को पूजा जाता है उस खिचड़ी से, और बहुत अच्छा मानते हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं लोहड़ी के अवसर पर। ओके, और आगे चलिए वीडियो में देखते हैं आगे और क्या है वीडियो में। बाय, सेव, टेक केयर। पर रुकिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत 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 ज़रूरी है। और स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट यू। और बाय, चलिए आप फिर देखिए वीडियो में और क्या है। यहाँ पे चपाती आप बन रही है, आज क्या रेसिपी बन रही है आप लोग खुद देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे चपाती बन रही है और चपाती तीन चार बन चुकी है। हाँ, आज साहब के साथ रेसिपी कर रहे हैं हम शेर अरवी। तो अरवी वैसे उबाल के भी करते हैं और ये हम जो है वो छिलके उतार के ऐसे ही बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं भाई? हम तो बोलते हैं अरवी का डेलर, कहते हैं अरवी का। तो आप लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये बिल्कुल बीज जैसा होता है गुच्छे, और ये इसको हम बोलते हैं डेलर। और पता नहीं अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, देखो सच्ची बात बोलनी चाहिए तो वैसे तो अरबी बोलते हैं होंगे, पर ये जो डेलर होते हैं ना, डेलर शायद ये इसको कुछ और भी बोलते होंगे, बट हम बोलते हैं डेलर। और कैसे बनाएंगे हम इसकी सब्जी? ये लोग, ये देखिए आप लोग, ऐसे हम इनको देखिए वैसे ही ना काट लेंगे इनको, जितना बारीक होंगे ना उतने अच्छे होते हैं ये, स्वाद होते हैं। और किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, हम उबालेंगे नहीं और सीधी ही इसमें जो तड़का लगा देंगे, और तड़का लगा के जो है वो बनाएंगे। तो देखिए बारीक बारीक काटना है हमने, जैसे ना बंडे होते हैं वैसे ही बनाते हैं इनको भी, बट थोड़ा सा उनको तलते हैं और इनको तलते नहीं हैं। और आप देखिएगा कि कैसे बनाएंगे, अभी हम इनको काट लेते हैं और फिर जब इनको बनाना शुरू करेंगे तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। काट लिया है वो अरबी के, और यहाँ पे काट लिया है हमने प्याज लहसुन और मिर्च, और यहाँ पे हमने कुकर चढ़ा लिया है। और अब हम इसमें जो है वो तेल डाल रहे हैं, ये देखिए तेल हमने डाल लिया है, ये देखिए तेल हमने डाल लिया है। और ये अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने धनिया डाल दिया है, और ये देखिए ये डाल दिया हमने प्याज। और ये हमने लाल मिर्च इसमें जो है वो डाल दिया है, देखिए ये हल्दी हमने देखिए अब डाल दी है। अब हमारा जो है वो तड़का होने वाला है, और अब हम इसको चला लेते हैं, ऐसे भून लेते हैं इसको।
ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है और अब हम डाल लेते हैं इसमें अरबी जो हमने डेलर काटे थे वो हम इसमें डाल लेते हैं। अरबी के डेलरों की सब्जी है ये और हमारी पहाड़ी भाषा में इसे जो है वो डेलर बोलते हैं। हमारे हिमाचल में, हिमाचल में नहीं, हमारी बिलासपुरी भाषा में इसे डेलर बोलते हैं और कई जगहों पे कुछ बोलते हैं तो कई जगह इसको भी बंडे बोलते होंगे। और अब हम इसको ना ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए हमने स्वाद अनुसार जो है वो नमक इसमें डाल लेना है और फिर हम इसको चलाते रहेंगे काफ़ी देर, क्योंकि फिर ज़्यादा स्वाद बनता है। इसको ऐसे अगर भून लेते ना काफ़ी देर हम, तो ये ज़्यादा अच्छा जो है वो होता है और ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो ऐसे हम भून लेते हैं इसको काफ़ी देर, ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए बस ऐसे हम जो है वो इसको घोटा लगाते रहेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे। इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में घोटा लगाना। तो ऐसे हम काफ़ी देर जो इसको घोटते रहेंगे और बहुत ही स्वाद बनती है ये वाली सब्ज़ी जो है वो ऐसे बना के। एक बार ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा, हमें बहुत अच्छी लगती है सच में और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। ये देखिए अब हमने जो है वो 2 या 4 मिनट से जो है हम इसको चलाते रहे और ये हमने इसमें पानी डाल लिया है। तो पानी भी हमने ज़्यादा नहीं डालना है और देखिए मतलब हमने ज़्यादा भी नहीं डालना है पानी, मतलब ये पक जाए बस। हमने सिंपल पानी डाला है, ना हमने कोई बेसन इसमें घोला और ना ही कुछ और किया। अभी आपके साथ जो है वो पूरी रेसिपी अगर शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा शायद, और बहुत ही टेस्टी बनता है जैसे हम बना रहे हैं वैसे बहुत टेस्टी होता है। और पानी बस हमने इतना ही डालना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमने जो है अब कुकर कर लेना है बंद और अच्छे से हमने जो है इसे 3 या 4 सीटी इसमें दिलानी है और अब आँच कर देनी हमने तेज़ ताकि हमारा जो कुकर है वो जल्दी से पका दे खाने को। तो अभी हम ये देखिए अब हमारा ये पक चुके हैं, ये जो अरबी है ये हमारी पक चुकी है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी और इसमें करना कुछ बाकी है, वो आप देखिएगा कि क्या करना है इसमें और बाकी है। ये मक्की का आटा है, आप मक्की का आटा ले सकते हैं या आप बेसन ले सकते हैं। तो ये मक्की का आटा है, हमने बेसन नहीं लगाया है। तो मक्की का आटा और बेसन जो है वो एक ही काम कर देता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेसन नहीं है, पर हम मक्की का आटा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मक्की के आटे से भी ज़्यादा टेस्ट आता है ये वाली रेसिपी पे, तो हम तब कर रहे हैं। और साथ में ये देखिए ये है दही, और दही को इसमें हम फेंट लेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से और फिर ये बनेगा हमारा जो एक घोल है वो हम डालेंगे अब इसमें। तो यहाँ पे हमने जो है वो लस्सी, ये जो हमने दही लिया था ना ये फेंट लेंगे हम पहले। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लस्सी से भी काम चला सकते हैं और लस्सी भी वही काम करती है जो दही करता है। तो अब हम लस्सी जो है, ये जो हमने आटा ले रखा ना मक्की का, इसमें घोल लेते हैं ताकि थोड़ी सी गाढ़ जो है वो आ जाए और स्वाद जो है वो चेंज हो जाए। तो लस्सी से एकदम चेंज हो जाता है सब्ज़ी का स्वाद जो है, और सब्ज़ी में जो है वो थोड़ी सी मतलब गाढ़ समझते हैं, गाढ़ का मतलब है ग्रेवी जैसी बन जाती है। और ये देखिए अब हमने डाल दिया फिर दोबारा से, और अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर इसे जो है फिर दोबारा से ढक्कन बंद करके इसको जो है वो फिर बंद कर लेंगे कुकर को, और 1-2 सीटी और देंगे, फिर देखना आप क्या टेस्ट बनता है। और इतना टेस्टी बनता है कि आप लोग ना सच में ही भूल जाओगे कि कैसे हम लोग जो है वो दूसरे तरीके से जो है वो बनाते हैं। और ये देखिए नमक हमने तब ये डाल दिया क्योंकि पहले हमने जो है वो थोड़ा सा ही डाला था ना, और अब हमने जो लस्सी डाली है उस हिसाब से हमने अब नमक फिर दोबारा से डाल दिया है। और ये हम कर लेते हैं अब कुकर बंद और 1 सीटी और देंगे इसको, तब अच्छे से पक जाएगा और लस्सी भी पक जाएगी और आटा भी। सब्जी और अब देखते हैं कि कैसी बनी होगी, बहुत टेस्टी होती है सच में।
एक बार ट्राई जरूर करिएगा, जैसे हमने जो है वो अरबी बनाई वैसे आप लोग भी बनाइएगा। और अभी हम ना इसको ठंडी होने देता है, इसकी सीटी जो है वो ठंडी होने देते हैं, फिर आप लोगों से फिर ये जो है वो पक चुकी है हमारी, ये वाली सब्जी जो है वो पक चुकी है। अब हम थाली डाल के जो है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और इसमें हमने ना धनिया डाल दिया, और ये देखिए अब हम जो है वो थाली डाल रहे हैं। और ये देखिए ये बनी हमारी अरबी की सब्जी। तो ये इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा एक बार, और फिर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय, सी यू, टेक केयर एवरीबॉडी।